तो सब्जी साफ कर रही हूँ मैं, और धूप में बहुत अच्छा लगता है ना सर्दियों के दिनों में, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। क्योंकि किचन में ठंड लगती है, इस वजह से काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता, और यहाँ धूप में बैठते तो आराम से काम हो जाता है क्योंकि ठंडी ही गाय। देखिए मटर और आलू, आज मटर आलू की सब्जी बनाऊंगी मैं, तो मैंने सोचा कि धूप में यहाँ बैठ जाओ। और पीछे अंशु देखिए, हेलो बोलो। हेलो। तो आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि दूध और बिस्किट खा लिया था मैंने इस वजह से। और अंशु, तो अंशु पेंसिल से पार्टी पे लिख रहा है। सिस पेंसिल से कोई लिखता है क्या पार्टी पे? तो सर्दी इतनी हो गई है ना, क्योंकि हम 2-3 दिन वहाँ पे रहे और हम बाइक पे गए थे इस वजह से, तो वहाँ से तेज हवा लगती है ना, इसलिए सर्दी हो गई हम दोनों को। मेरी आवाज़ भी आप लोगों को थोड़ा चेंज लग रहा होगा। तुमको पता भी है इस पार्टी को प्लानिंग करने में मुझे कितने हफ्ते लगे? ये केक, पार्टी की सजावट, बाउंसी हाउस, मैंने सारी तैयारी कर दी थी, लेकिन तुम दोनों ने आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरी बात सुनो, तुम दोनों ही इसे मिलकर ठीक। हेलो एवरीवन, तो अभी बज चुके हैं रात के 8, और देखिए अभी मैंने यहाँ पे जस्ट रोटी बनाई है क्योंकि सब्जी पड़ी थी। एक मिनट। और इस साइड अभी मैं थाली पीट बना रही हूँ। तो इसको मैं अभी 5-6 मिनट ऐसे ही पकने दूंगी। और अंशु देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कार्टून देख रहा है। और आज मैं एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ जो मैंने शादी से पहले ही मैंने सीखी थी। तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी थी आर्ट एंड क्राफ्ट में, और तो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सी चीज़ें सीखी थी। अगर आप लोगों को सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो मैं उसका प्रॉपर आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, आपको स्टेप बाय स्टेप इसका वीडियो अलग से बना दूंगी, तो सिखाऊंगी मैं आपको ज़रूर। और देखिए ये धागे लाई हूँ मैं, ये वाले, तो ये और ये रिंग, तो मैं
हाथ से एम्ब्रॉयडरी कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला सिखाऊंगी बेसिक। ऊपर आप जो फ्लावर देख रहे हैं ना, ये वाले, वो वाले फ्लावर भी मैंने बनाए हैं शादी से पहले। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी ऊपर रखा है बॉक्स में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उससे मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं मेरे नानी के गांव गई थी, तो इस वजह से, और मेरे थोड़ी आवाज़ ख़राब हो चुकी है। देखिए यहाँ पे, अच्छा हेलो करो, तो हाँ मेरे, हाँ मेरे, हाँ तो मैंने मेरे नानी का भी थोड़ा सा, मैं उधर गई थी ना मेरे नानी के घर, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने जो लिया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक मेरे नानी की रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में, तो ज़रूर देखना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी नहीं होती है फिर भी, अभी बढ़ गई है सर्दी यहाँ पे भी, तो इसी वजह से, और थोड़ा हम उस दिन बाइक पे भी गए थे ना, इस वजह से हमको कोल्ड हो गया है बहुत ज़्यादा। अंशु को भी हो गया है, मुझे भी हो गया है, तो मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। बिस्किट है सब छोटा भी, मलाई इधर नहीं मिलता है, नहीं खत्म हो गए वो, सुबह गया था ना फिर। हेलो दोस्तों, तो फिर मैं अभी लाया हुई है बुलेट, ये देखिए बी, मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ। मैं इसको लाउड पहला था तू हो मम्मा, ऐसे करो तो फिर ये देखिए अपने बुलेट, मैं इसको एक निकाल दिए, बी एक
ये रहे अपने बुलेट और इसको अभी हम से निकाल रहे हैं। ये अभी यहाँ से भी आधा से खींचेंगे को, इसको ऑनली खींचना पड़ता है। ये भी निकाल दिया। अभी एक अगली चीज, ये रही, ये रहा अपना स्टैन, और ये रहा बाइक का बॉटल ला तो पानी आपल्याला अंतरला वाटत असं वाटतंय ते।